समय का चक्कर ऐसा होता है, जब वो चलता है तो इंसान पता नहीं कब कहाँ किस समय किस दौर से गुजर जाए। समय किसी के रोकने से रुकता नहीं, तो समय के अनुसार इंसान को चलना चाहिए। कहते हैं समय एक ऐसा घोड़ा है जिसके गले के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पूंछ से नहीं रुकता। तो आदमी की जिंदगी में तरह तरह के दौर चलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, और कई बार समय ऐसा आता है इंसान सोचता है कि उसे तो इस दुनिया से चले जाना चाहिए, यानी टेंशन लेता है, दिमाग पे बोझ डाल लेता है, चिंता करता है। चिंता टेंशन किसी भी चीज का हल नहीं है। चिंता करने से अगर कोई चीज हल होती तो परिवार के सारे मेंबरों को चिंता करने बैठा दो, शायद फायदा जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। चिंता इंसान को हमेशा परेशान रखती है, हमेशा दुखी रखती है। इसलिए चिंता मुक्त होना बेहद जरूरी है। टेंशन लेते हैं, चिंता होती है उन बच्चों को जिनके पेपर नजदीक आ जाते हैं। चिंता बिजनेसमैन को भी हो सकती है, किसान को भी हो सकती है जिसकी फसल बरसात की वजह से या किसी और वजह से खत्म हो गई। पर चिंता करने से किसी चीज का हल कभी नहीं हुआ। आपके पेपर आने वाले हैं, अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो आप जरूर अच्छे नंबर ले जाएंगे। चलो किसी वजह से आप रह गए हैं, बजाय टेंशन लेने के ये सोचिए आप पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो उस फेल के कारण क्या है, उन कारणों को दूर कर दो, अगली बार आप हो सकता है मेरिट भी ले जाएं। किसान की फसल बर्बाद हो गई, माना कि उसकी रोजी रोटी होती है, जिंदगी होती है, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि अपने आप को खत्म कर लो तो बाकी का परिवार क्या करेगा। क्या उसे भीख मांगने के लिए छोड़ने जा रहे हो? क्या दर दर ठोकरे खाने के लिए छोड़ के जा रहे हो? अरे आप मुखिया हो घर के, और अगर आप ये सोचते हो कि मैं आत्महत्या कर लूं तो ये आपकी महामूर्खता है। और धर्मों में भी जो आत्महत्या करता है उससे बड़ा कोई घाती नहीं होता, उससे बड़ा कोई पापी नहीं होता, ये हमारे धर्मों में बताया गया है। तो बजाय ये टेंशन लेने के कि मेरी फसल बर्बाद हो गई, मैं तो मर गया, अगली फसल की पूरा जोर लगा दो, हिम्मत रखो, हौसले बुलंद रखो कि कोई बात नहीं, कोई मेरे पिछले कर्म होंगे, किसी वजह से मेरे को इस बार फसल से हाथ धोने पड़े, नहीं आई फसल, अगली बार हो सकता है भगवान दुगनी दे दे, तिगुनी दे दे। अगर शरीर सही है, सलामत है, तो कितनी भी फसलें उगा सकते हो। अगर यही चला गया तो कहां से फसलें और कैसी फसलें। इसलिए ये सोचना ही मूर्खता है, करना तो बेहद बड़ा पाप। और फिर आप निकल जाते हो, मेरे मांगने वाले आते हैं, जी मुझसे मैंने कर्जा उठाया हुआ है, जी मैं तो बड़ा परेशान हूं, जी पहले तो तुझे सोच के उठाना चाहिए था। चलो वो आपने गलत कर लिया तो ये बहुत बड़ी गलती है अगर आप आत्महत्या की तरफ जाते। आपके बच्चे, आपके परिवार
का आप पे जिम्मेदारी है। हमारी संस्कृति यही कहती है, क्योंकि आप सही तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे तो हो सकता है बुढ़ापे में बच्चे भी आपकी केयर करेंगे, आपकी संभाल करेंगे। और उनको बीच मझधार में छोड़ के चले जाते हो तो बच्चे बेचारे जिनको अनुभव ही नहीं है किसी चीज का, कहां से खाएंगे और कहां से कमाएंगे? तो आत्महत्या किसी चीज का हल नहीं है, यह कभी नहीं करनी चाहिए। बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, घाटा पड़ गया या कोई छापा पड़ गया या कोई सैंपल फेल हो गए तो वो आपकी कमी की वजह से हुआ है, उसको सोच विचार करके दूर कर लो। इसमें टेंशन या आत्महत्या का क्या हल है? कभी भी नहीं। और ये बातें आती कब हैं? जब आदमी के अंदर आत्मिक शक्ति की कमजोरी आ जाती है, आत्मबल कम हो जाता है, तब ऐसे विचार आते हैं। तो आत्मिक शक्ति आपके अंदर है और उसको जगाने के लिए जरूरी है आप आत्मा को खुराक देते रहें। तो आत्मा को खुराक दोगे तभी आत्मिक शक्तियां जागेंगी और तभी विल पावर या आत्मबल आप हासिल कर पाएंगे। तो अपने आत्मबल को बुलंद कीजिए तो ये सोचें आएंगी नहीं। बैठे बैठे आप सोचते रहते हैं, अब जब सोने जाते हैं तब कई बार लोग ज्यादा सोचते हैं। बंद कमरा है, ऊपर चद्दर ले ली और फिर बस ये लगता है कि सारी दुनिया खत्म हो गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे। सुबह उठते हो, आंखें खोलते हो, सारी दुनिया ज्यों की त्यों, चिड़िया पक्षी सब घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, तब महसूस होता है कि नहीं, तू ही गलत था, बाकी सब कुछ ठीक है। बहुत सारे लोगों के अंदर आता होगा कि हाँ टेंशनें चली गई, चिंताएं चलेगी जैसी आंख खुली, फिर रात को जाते हैं फिर शुरू हो जाते हैं, एकांत में बैठते हैं तो शुरू हो जाते हैं, और कई तो चालू ही रखते हैं ये काम, टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन। एक राम नाम का जाप करने वाले एक सत्संगी को चाहिए बजाय टेंशन के सुमरन करे, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, यकीन मानो बड़ी से बड़े परेशानी से निकलने का हल आपको आपके अंदर से मिल जाएगा। किसी से राय भी नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि राम सबके अंदर है, वो ओम, वो दाता, अल्लाह कहो परमात्मा, सबके अंदर रहता है। और कई लोग इन सब चीजों से पढ़ के कड़ जाते हैं। पढ़ के कड़ना हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मान लेना अपने आप को, जैसे इंसान ये सोच लेता है कि मैं इस चीज में परफेक्ट हूं, मेरे को पूरा ज्ञान आ गया। जी नहीं, रोजाना नई नई खोज हो रही है और उन खोजों से रोजाना नए आविष्कार हो रहे हैं जिसमें मानवता के भलाई के लिए, सृष्टि के फायदे के लिए भी हैं और खात्मे के लिए भी हैं, दोनों तरह के आविष्कार होते जा रहे हैं। तो अगर आप अच्छा नेक इंसान हो तो आप एक टेम्परेरी मुखौटा ओढ़ लेते हैं, वो नहीं ओढ़ना चाहिए, दिखावे के लिए अच्छा बनना। तो रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे, वो अंदर बैठा है तेरा खसम, वो राम, वो ओम। हमें तो कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही पर्दा रखना है, लेकिन सांझी बात कह रहे हैं ऐसे मुखौटधारियों से कि ये आप अपने आने वाली जिंदगी में कांटे बो रहे हो। क्योंकि दिखावे में दिखाना कि भाई मैं तो भक्त हूं और बाद में पाप कर्म करना या मनमता करना या बुराइयां करना या बुराइयां देखना या बुराइयां सुनना, संत तो दुआएं करेंगे, आशीर्वाद ही देंगे, लेकिन कर्म जो कर रहे हो वो एक एक का हिसाब देना पड़ेगा और तब रोओगे। तब भी हमने तो यही कहना बेटा आशीर्वाद माफ,
लेकिन तब नहीं होगा। ये हकीकत है, ये कड़वी सच्चाई है। और हमें लगता है ये सुन के भी कई अमल नहीं करते, ये सुन के भी कई मानते नहीं। उनको ये लगता रहता है कि मैं अपनी जगह सही हूं, मैं जो करता हूं वो ठीक है, बाकी जो करते हैं वो गलत है। तो ये आपकी सोच हो सकती है, आपके विचार हैं। सच्चाई तो ये है कि आप ये जो डबल दोगलापन कर रहे हैं, ये आप अपने जीवन में कांटे बो रहे हैं। जब चुनने पड़ेंगे तब रोना मत, ये हकीकत है। दिखावा, आदमी खुश हो सकता है पर वो ओम हरि राम किसी के दिखावे में नहीं आता। उसके लिए तो भावना शुद्ध होनी चाहिए। किसी भक्त से पूछा गया था कि प्रभु के भक्त को, मालिक से जो प्यार करने वाला है, उसको कैसा होना चाहिए। उसने कहा था दुख सुख की तमीज नहीं होनी चाहिए। सुख आ गया तो खो मत जाना, दुख आ गया तो रो मत जाना, हद से ज्यादा मतलब रोने पीटने लग जाओ। सुख दुख जिंदगी के गहने हैं। बेपरवाह जी का भजन है जिसे हर जीभ पहने हैं, कि ये ऐसे गहने हैं जो जिंदगी में चलते रहे। जैसे संचित कर्म, पिछले जन्मों के कर्म जो बचपन से लेके अब तक आपने किए, उसके फल को आपको भोगना है। तो ये जो टेम्परेरी या भक्त बन जाते हैं और बाद में फिर वही चीजें अपना लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही घातक है। इसका मतलब आप भगवान को कुछ समझते ही नहीं। और जब वो भोगना पड़ा, हो सकता है चारपाई नसीब हो, हो सकता है व्हील चेयर पर लेटना पड़े, क्या पता क्या हो जाए, ये तो राम जी जानते हैं। क्योंकि आपके कर्मों का बोझ हर जीव को उठाना पड़ता है, ये हमारे पवित्र वेदों में बताया हुआ है। सबसे पुरातन जो ग्रंथ है उनमें साफ लिखा हुआ है कि जैसे करोगे कर्म वैसा भोगना पड़ता है। बेपरवाह जी ने फरमाया कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। क्या आज हम कोई नई बात कह रहे जी? नहीं। तो इसका मतलब आप संतों महापुरुषों की आदकाल से चली बातें, और आज हमारे जो भक्तजन हैं, साईं मस्ताना जी महाराज, परम पिता जी ने वही कर आज वही कह रहे हैं, वही करने वाले, वही कहलाने वाले। तो इसका मतलब आप किसी को कुछ समझते ही नहीं अपने अलावा। ये आपकी वो गलतियां हैं जो आपके आने वाले समय को बर्बाद कर देंगी। ये वो गलतियां हैं जो आने वाले समय को आपके लिए भारी कर देंगी और वो समय गुजारना मुश्किल हो जाएगा। हमारा काम एज ए चौकीदार आपको आवाज देना है। एक चौकीदार की तरह आवाज देते हैं, भाई हम तो चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं, कोई मान बढ़ाई नहीं है। ऊंची जगह में इसलिए बैठते हैं क्योंकि आप सब में हमें हमारा सदगुरु मौला राम नजर आता है, वो ओम दाता नजर आता है। आप नए आए हैं, आज फर्स्ट टाइम आए हैं, या बहुत पुराने सेवादार हैं, या सत्संगी हैं, सब में नजर आता है क्योंकि वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। और दूसरी बात, हमारे इन्हीं पवित्र धर्म के पवित्र वेदों में या पवित्र रामायण में हमने कहीं पढ़ा कि कलयुग में जो सत्संग में आएंगे, जो राम नाम में बैठा करेंगे, भगवान जी जहर होते हैं वहां, और वो देवी देवताओं से बढ़ के हो जाते हैं। कितनी बड़ी पदवी है, कैसे देवी देवताओं से बढ़ के हो जाते हैं? अगर आप सच्चे दिल से सुन रहे हो, अगर आप ओपन माइंड से सुन रहे हो, नैरो माइंड अगर पहले कुछ बना के आए हो तो बात अलग है, खुले दिमाग से सुनो। संत अपनी बड़ाई नहीं करते, उनका काम समाज का भला, अपने एक एक बच्चे का भला करना होता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा की बनाई सृष्टि सच्चे संत अपनी औलाद की तरह मानते हैं, उनकी औलाद ही होती है, संतान होती है। और कोई मां बाप, आजकल तो नहीं कह सकते सबका, लेकिन पहले यह होता कोई मां बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा चिंता में रहे या परेशानी में रहे या कुछ दुख तकलीफ उस पर आए।
इसलिए संत अपने बच्चों को समझाते हैं, मान गया तो यकीन मानो कर्म कट गए, ना माना तो कर्म भोगने पड़ते हैं। कर्मों का फल राम नाम से ही कटता है, तो हमें इसलिए भी ऊंचा बैठते हैं। साइंस का कारण भी है, मनोविज्ञान। जो आदमी बोलता है अगर वो दिखे ना, जो श्रोतागण होते हैं वो खड़े होने लगते हैं, कहां बैठा है, किधर है, कौन बोल रहा है। ये नेचुरली है, ये कुछ अलग नहीं, ये आदत है इंसान की, इंसानी फितरत है। तो इसलिए भी थोड़ा ऊंचा बैठते हैं, और कोई मान बढ़ाई ये ऐसा कुछ भी नहीं, और सच्ची बातें कहते हैं। कड़वी तो उनको लगती हैं जो मनमता करते हैं, कड़वी उनको लगती है जिनको लगता है कि हमें कह रहे हैं। हम किसी एक को नहीं कह रहे, जो भी सुन रहे हैं हम तो सबको बोल रहे हैं और सबको सुन रहा है, पर उनको ही ज्यादा क्यों महसूस होता है। कई बार आगे भी आपको उदाहरण दिया है कि स्प्रिट को बॉडी पे घुमाओ आप, एंटीबायोटिक है, ऐसे लेके जाओगे तो कोई ना कोई वायरस बैक्टीरिया मार देगा, और जहां जख्म है वहां थोड़ा जलन भी करेगा। तो ऐसे संतों के वचन होते हैं, यहां जख्म है, जो लोग ऐसा करते हैं उनके थोड़ी सी जलन ज्यादा होती है, थोड़े पसीने भी छूटते हैं, इधर उधर भी देखते हैं, कोई नीचा सिर कर लेता है। आप साफ देख लेना, आपको पता चल जाएगा कौन है, किसके स्पिरिट काम ज्यादा कर रहा है, जख्मी कौन बैठा है यहां। और कई ढीठ होते हैं कि नहीं बिल्कुल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो दूसरों को पता ना चले, या ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी ओवर एक्टिंग है। तो कई निशानियां होती हैं, हमें तो यहां से साफ पता चलता है, बुरा ना मनाना, क्योंकि आप बिजनेस व्यापार करते हैं आपको उसका तजुर्बा होता है, और हम सारा दिन लोगों से मिलते हैं उनको देखते रहते हैं, हमें इसका तजुर्बा है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है और किसके ज्यादा हो रही है, चाहे जैसी मर्जी पोजिशन बना लो। तो हकीकत है, जब जागो तभी सवेरा। आज सुन के आज मान लो क्या पता फायदा हो जाए, किए कर्म तो भोगने, एक ही तरीका है सुमरण और दृढ़ यकीन जो आपको बचा सकता है, अदरवाइज किए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पर कई बच्चे टेंशन लेते हैं, बहुत चिंता करते हैं, काम तो छोड़ देते हैं बुरे, लेकिन फिर चिंता करते रहते हैं कि मैंने जो किया वो भोगना होगा, अब मेरे रिजल्ट आएगा उसका तब क्या होगा। अगर कोई ऐसा सच्चा पश्चाताप करना चाहता है, सेवा और सुमरण करो, दृढ़ यकीन रखो वचनों पे, पक्के रहो, तो यकीन मानो वो टेंशन भी दूर हो जाएगी और सुखमय जिंदगी आप व्यतीत कर पाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा, सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा।